हेलो एवरीवन, वेलकम टू आइडल कोचिंग। माय नेम इज कृष्णकांत सिंह बुंदेला। मैक्रो इकोनॉमिक्स, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन के हिंदी के पार्ट थ्री में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। इस पार्ट में हम फिलिप्स कर्व डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज एन एपिसोडिक एक्सप्लेनेशन टू गेट बेनिफिट। प्लीज सी द वीडियोज फ्रॉम पार्ट वन। स्पेशली इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन मैंने इसलिए बनाए थे ताकि मैं फिलिप्स कर्व को समझा सकूं, इसलिए पार्ट टू और पार्ट वन आप जरूर देखें ताकि फिलिप्स कर्व में आपको दिक्कत ना जाए। इसके पहले मैं स्टार्ट करूं कि मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूं। आज ईद है और आप सभी लोगों को बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। मुझे तो भगवान ने ही मुबारकबाद आज दे दी है, क्योंकि आज आप लोग के सहयोग से और भगवान की कृपा से मेरे 786 सब्सक्राइबर आज ही के दिन हुए हैं। 2nd of September आज ईद का दिन है और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। लेकिन मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सभी लोगों का और ख़ास तौर पे अल्लाह का, जिन्होंने मुझे 786 सब्सक्राइबर दिए आज के ही दिन। तो ये बहुत स्पेशल फीलिंग हो रही है मुझे कि ही इज़ विथ मी। वो बता रहे हैं कि मैं सही डायरेक्शन में हूँ और आई शुड गो ऑन। ये बहुत बड़ा मोटिवेशन है, नॉट ओनली फ्रॉम ऑल यू पीपल बट ऑल्सो फ्रॉम अल्लाह गॉड। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं फिलिप्स का। AW फिलिप्स ने 1958 में एक एनालिसिस किया था, एम्पेरिकल एनालिसिस बोल सकते हो आप उसको या स्टैटिस्टिकल एनालिसिस बोल सकते हो। इन्होंने क्या किया था, यूके में 1861 से लेकर 1957 तक के सारे डेटा कलेक्ट किए थे और उसमें से उन्होंने एक ग्राफ बनाया था जिसको उन्होंने फिलिप्स कर्व कहा। एक्चुअली एक कर्व बनाया था। ये स्टैटिस्टिकल डेटा जब उन्होंने लिया था तो ये बताया कि ये स्टेबल है, ये इनवर्स रिलेशनशिप दिखा रहा है और नॉन लीनियर रिलेशनशिप दिखा रहा है, यानी एक लाइन में चीजें नहीं है। क्या क्या नहीं है? मनी वेज और अनएम्प्लॉयमेंट। मनी वेज और अनएम्प्लॉयमेंट आपस में इनवर्सली रिलेटेड है। लेकिन ये कौन सा मनी वेज है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मनी वेज। केवल मनी वेज नहीं, मनी वेज में जो चेंजेस आते हैं, बढ़ना घटना होता है, वो जो रेट है, और अनएम्प्लॉयमेंट में जो रेट ऑफ चेंजेस आते हैं वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है। अब मनी वेज क्या होता है, इसके बारे में मैंने न्यू कीजियन इकोनॉमिक्स के पार्ट 4B में बहुत अच्छे से समझाया है, आप उसे जरूर देखें। तो मनी वेज, रियल वेज क्या होती है वो क्लियर हो जाएगी। यानी कि अगर वेज घट रही है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और अगर वेज बढ़ रही है तो अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा। देखो इसको हम लोग एक कर्व से समझते हैं। इन्फ्लेशन हमने वर्टिकली ले लिया है और अनएम्प्लॉयमेंट हमने हॉरिजॉन्टली ले लिया है। इसमें ये है कर्व जो कि स्टैटिस्टिकल डेटा 1958 में जो फिलिप्स ने लिए थे, 1861 से लेकर 1957 तक के, वो उनके बेसिस पर उन्होंने ये कर्व बनाया था। और इस कर्व की खासियत ये है, ये शो करता है कि रेट ऑफ वेज इन्फ्लेशन में और अनएम्प्लॉयमेंट में इनवर्स रिलेशनशिप है। सपोज ये कर्व है WW और एक पॉइंट हम ले अनएम्प्लॉयमेंट का U2 और इस पर W2 है रेट ऑफ वेज इन्फ्लेशन। यानी इतना वेज इन्फ्लेशन होता है जब U2 अनएम्प्लॉयमेंट हो। अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट को घटा दें U2 से U3 की तरफ ले आए तो क्या होगा? तो देखिए वेज W3 हो जाएगा, यानी कि इतना बढ़ जाएगा W2 से W3, वेज ज्यादा बढ़ रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट कम घट रहा है। ये उन्होंने स्टडी किया। इसके बाद उन्होंने बोला कि अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ाते हैं, यानी कि बेरोजगारी बढ़ जाएगी, तो इसका मतलब यह है कि वेज को हम घटाते हैं। ऐसा उन्होंने बताया नहीं, ऐसा उनको स्टैटिस्टिकल डेटा से समझ में आया और उन्होंने उसको पोर्ट्रे कर दिया एक कर्व के रूप में। तो इससे यह सिद्ध होता है कि इन्फ्लेशन यानी वेज इन्फ्लेशन पर्टिकुलरली और अनएम्प्लॉयमेंट में इनवर्स रिलेशनशिप है। इसके बाद इन्होंने कहा इसको अगर हम फर्दर बढ़ाएं अनएम्प्लॉयमेंट को, बेरोजगारी और बढ़ जाए तो क्या होगा? इस पॉइंट पे वेज इन्फ्लेशन जीरो हो जाएगा। ध्यान रखिए मैं वेज इन्फ्लेशन बोल रहा हूं, वेज जीरो नहीं होगी, लेकिन वेज में कुछ भी बढ़ेगा घटेगा नहीं, यानी वेज इन्फ्लेशन जीरो पे आ जाएगा। और अगर उसके बाद भी हम और अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ाते हैं यानी बेरोजगारी और बढ़ जाए अगर, तो ये वेज इन्फ्लेशन नीचे भी आ सकता है, ये पॉइंट पे भी आ सकता है। वेज इन्फ्लेशन नीचे आने का मतलब है कि वेज जैसे 300 रुपए है और वेज इन्फ्लेशन का मतलब है वेजों में बढ़ना, 305 हुई, 310 हुई, 320 हुई, ये इन्फ्लेशनरी रेट है। लेकिन उसमें डिफ्लेशन भी आ सकता है, 300 से 280 हो जाए, 290 हो जाए, 270 हो जाए। वो कब होगा? जब इतनी बेरोजगारी बढ़ जाएगी, U- पे आ जाएगी। ये उनका कहने का मतलब था। यानी ये जो कर्व है ये
कॉन्वेक्स्ड है ओरिजिन की तरफ, और वेज इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में जो रिलेशन है वो ट्रेड ऑफ का रिलेशन है, यानी कोई एक ही बढ़ सकता है एक बार में, दोनों एक साथ नहीं बढ़ सकते। तो पॉलिसी मेकर्स का इंटरेस्ट इसकी तरफ बहुत गया, क्योंकि ये नई चीज इन फिलिप्स लाए थे, और इनका जब इसमें इंटरेस्ट गया तो इनने वो सारे आंकड़े देखे उठाकर 1861 से 1957 तक। और इसमें एक और इकोनॉमिस्ट थे लिप्से, इन्होंने फिलिप्स कर्व को एक थ्योरी का फॉर्म देना शुरू किया, क्योंकि पहले तो ये थ्योरी थी नहीं, पहले केवल एक एम्पेरिकल या स्टैटिस्टिकल स्टडी थी। तो रिचर्ड लिप्से ने 1960 में ये अपना एक्सप्लेनेशन दिया, उसमें उन्होंने पहला पॉइंट ये दिया कि रेट ऑफ मनी वेज चेंज। अब ये मनी वेज क्या होता है, फिर से आपको बोल रहा हूं, न्यू कीन्जियन इकोनॉमिक्स के पार्ट 4B में आप जाकर देखिए, कीन्जियनिज्म नाम का प्लेलिस्ट है और उसके अंदर 4B पार्ट है, उसमें आप मनी वेज और रियल वेज देख सकते हैं। रेट ऑफ मनी वेज में जब बदलाव आता है, उसी के साथ साथ एक्सेस डिमांड फॉर लेबर में भी बदलाव आता है, ये दोनों पॉजिटिवली रिलेटेड है। बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं एक्सेस डिमांड बोल रहा हूं लेबर की, यानी कि लेबर की डिमांड नहीं, लेबर की एक्सेस डिमांड। सपोज 10 लेबर की डिमांड है और 10 की सप्लाई हो रही है, तो ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन है। मगर जब 10 की सप्लाई है और डिमांड 15 की होने लगे, तो ये जो 5 बढ़ रहे हैं एक्स्ट्रा, इस बढ़ने की वजह से क्या होगा, वेज में भी बदलाव आएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से पॉजिटिवली रिलेटेड है, ऐसा लिप्सी ने कहा था। इस पर उन्होंने एक इक्वेशन भी दिया कि वेज कैसे बढ़ता है, वो फंक्शन होता है जो एक्स्ट्रा डिमांड है लेबर की उसका, यानी ये डिमांड माइनस सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई, कितनी ज्यादा है डिमांड, उसी का फंक्शन होता है वेज। इसको अपन लोग एक डायग्राम से समझते हैं। सपोज ये डायग्राम है, अनएम्प्लॉयमेंट हमने हॉरिजॉन्टली ले लिया है और वर्टिकली हमने ले लिया है डी माइनस एस अपॉन एस, दैट इज एक्सेस डिमांड फॉर लेबर। चूंकि वेज और एक्सेस डिमांड फॉर लेबर दोनों पॉजिटिवली रिलेटेड है, यानी दोनों एक साथ ही बढ़ सकते हैं या एक साथ ही घट सकते हैं, तो इसको हमने वेज से रिप्लेस कर दिया है, यानी लिप्सी ने वेज से रिप्लेस किया, किसको किया, एक्सेस डिमांड फॉर लेबर को, और अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर उन्होंने फ्लिप कर्व को समझाने की कोशिश की है, और ये बताया है कि जब एक्सेस डिमांड बढ़ता है लेबर का तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट घट जाता है, और अगर एक्सेस डिमांड आप जीरो पे ले आओगे तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। देखिए ये यूएफ पॉइंट है, यानी अगर हम लेबर की डिमांड बिल्कुल ना करें एक्सेस, ये नीचे आते 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 जीरो पे आ जाए, यानी जीरो पे क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट, 10 की सप्लाई 10 का डिमांड, कोई एक्सेस डिमांड नहीं। बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं एक्सेस डिमांड की बात कर रहा हूं, डिमांड ऑफ लेबर की बात नहीं कर रहा हूं, डिमांड ऑफ एक्सेस लेबर। तो जहां पर इक्विलिब्रियम पॉइंट है उससे ऊपर उठेंगे अगर अपन, तो डिमांड ज्यादा बढ़ रही है लेबर की, मगर इस जीरो पॉइंट पे क्या हो रहा है, डिमांड और सप्लाई लेबर की बराबर है। तो इस पॉइंट पे जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो है यूएफ, इसको बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। आप कहेंगे कि 10 लोगों की जरूरत है और 10 लोगों की डिमांड है और 10 लोगों की सप्लाई है, तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट कहां से आ गया, होता है ये, होता है क्योंकि उस समय मिसमैच होता है या मैच नहीं हो पाता है वैकेंसीज का उन लेबरों के साथ, वो वर्कर्स की जो क्वालिफिकेशन है और हमको जो चाहिए है वो नहीं मिल पाती है, वो मिसमैच होती है, और उसकी मैचिंग इंस्टेंटेनियसली उसी समय होना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए ये फ्रिक्शनल, फ्रिक्शनल वर्ड इसलिए लगाया गया है क्योंकि उसमें फ्रिक्शन होता है, अप डाउन हो सकता है, वो बहुत फ्रिक्शनल है, मतलब रुकावट है एक तरीके की, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है, फ्रिक्शन लेस नहीं है, फ्रिक्शनल है, फिजिक्स में आता है फ्रिक्शन लेस, मतलब बिल्कुल ही स्मूथ हो जाए, साइकिल में अपन तेल डालते हैं तो फ्रिक्शन लेस हो जाती है वो, और फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है, रुकावट, जैसे हमारे चप्पलों के नीचे, जूतों के नीचे जो डिजाइन रहती है उससे हम चल पाते हैं क्योंकि उसमें रुकावट होती है, फ्रिक्शन होता है, तो फ्रिक्शन की वजह से चीजें अटकती हैं, तो ये फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है, यहां पर अटक जाता है बिकॉज ऑफ मिसमैचिंग। अगर हमको इस फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना है तो हमको इस तरफ जाना पड़ेगा, जीरो की तरफ, और जब हम जीरो की तरफ जाएंगे तो ये एक्सेस डिमांड बढ़ा देंगे हम लेबर की, लेबर की एक्सेस डिमांड बढ़ जाएगी, ऐसा लिप्सी ने बताया। लेकिन ये अनएम्प्लॉयमेंट जीरो कभी नहीं होगी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बना रहेगा यहां तक, भले एक्सेस डिमांड जितनी भी अनलिमिटेड हो जाए, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट रेट जीरो नहीं हो सकता, ये कहा था लिप्सी ने। तो पॉलिसी यूजर्स ने फ्लिप्स कर्व को स्टडी किया क्योंकि इनका रिलेशन उनको लगा कि हम प्राइस इन्फ्लेशन से भी कर सकते हैं, तो उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट के साथ साथ प्राइस इन्फ्लेशन भी ले लिया, प्रोडक्टिविटी भी ले ली और वेज इन्फ्लेशन भी ले लिया, और ये बताया कि
जैसे यहां पर ये डब्ल्यू डब्ल्यू है, ये हो गया वेज इन्फ्लेशन, और ये हो गया पीपी प्राइस इन्फ्लेशन। तो ये बताया गया इसमें कि अगर हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ले अनएम्प्लॉयमेंट का, और उस पर एक पर्टिकुलर लाइन यहां पर अभी आ रही है जो कि वेज वाले कर्व से आ रही है, इसलिए हम इसको वेज इन्फ्लेशन मान रहे हैं, मगर उसी अनएम्प्लॉयमेंट पे, उसी अनएम्प्लॉयमेंट की लाइन पे अगर हमको पीपी पे लाइन खींचना हो तो कहां आएगी? नीचे आएगी। इतना बड़ा गैप प्राइस पर, यानी कि प्राइस धीरे धीरे बढ़ती है और वेज ज्यादा तेजी से बढ़ती है, इतना बड़ा गैप होता है। ये गैप क्यों होता है? देखिए हम इसको समझते हैं। सपोज एक वर्कर है, ये काम कर रहा है, ठीक है, इसको सैलरी मिल रही है, वेज मिल रहा है ₹300, और इसकी प्रोडक्टिविटी है ₹500, यानी ये काम करके जो दे रहा है अपने प्रोड्यूसर्स को, अपने एम्प्लॉयर्स को, वो ₹500 का काम करके देता है, ठीक है, और ₹300 इसको वेज मिल जाती है। ओके, अब सपोज ये वेज बढ़ाई ₹60 से, यानी करीब 20% वेज बढ़ाई, तो क्या होगा? अब उस वर्कर को वेज मिल रही है ₹360, और उसकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ गई। कैसे बढ़ी? उसकी पांचों इंद्रियों को सेटिस्फाई किया गया, मतलब उसको एसी दिया गया, उसको मोटिवेट भी किया गया शब्दों से, और भी बहुत सारी फैसिलिटीज देकर उसको इतना खुश कर दिया कि वो अपनी कंपनी को अपना मानने लगा और उसके लिए दिलो जान से काम करने लगा। और इसी की वजह से क्या हुआ कि वो प्रोडक्टिविटी उसकी बढ़ गई, यानी वो काम ज्यादा करने लगा, ₹30 एक्स्ट्रा वो देने लगा अपने प्रोड्यूसर को, 6% उसने अपनी क्षमता में बढ़ोतरी कर ली, तो उसकी प्रोडक्टिविटी अब हो गई ₹530। यानी कि घाटा कंपनी को लग रहा था ₹60 का, क्योंकि ₹60 वेज बढ़ाना पड़ा। अब वेज ₹60 बढ़ाना पड़ा तो क्या होगा? प्रोडक्ट की प्राइस भी ₹60 बढ़ जाएगी, लेकिन इसने इतनी मेहनत की कि ₹30 वापस कर दिए, ₹30 की एक्स्ट्रा कमाई करवा दी। तो अब क्या होगा? जब प्रोडक्ट की बात करेंगे हम, तो 60 में से 30 को माइनस करेंगे तो केवल उस प्रोडक्ट में ₹30 ही बढ़ोतरी होगी, यानी प्राइस कम बढ़ा और वेज ज्यादा बढ़ गया। यही होता है ये गैप। ओके, अब अगर अगर हम इस पॉइंट को ले, देखिए इस पॉइंट पे अगर हम एक लाइन खींचें इस डब्ल्यू डब्ल्यू तक और फिर यहां ले जाएं, तो समझ लीजिए कि 3% की वेज इंक्रीज हो रही है और 5% का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। कब? जब प्राइस में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, यानी उस प्रोडक्ट की प्राइस में ना बढ़ा हुआ कुछ ना घटा हुआ। देखिए हम प्राइस की बात नहीं कर रहे हैं, हम वेज की बात नहीं कर रहे हैं, हम प्राइस इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं और वेज इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसको मिसअंडरस्टूड नहीं कीजिएगा, क्योंकि हम यहां पर प्राइस जीरो नहीं है, प्राइस इन्फ्लेशन जीरो है, प्राइस में कुछ बढ़ नहीं रहा, ठीक है, इस पॉइंट पर। तो वेज ज्यादा है क्योंकि वेज हमेशा ज्यादा रहेगी, जैसा हमने ये गैप देखा, वेज 3% बढ़ेगी तब ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5% रहेगा। अब अगर हमको ये 5% को घटाना है तो वेज बढ़ती जाएगी और प्राइस भी बढ़ेगी, लेकिन कम लेवल से बढ़ेगी। ओके, तो ये पॉलिसी यूजर्स ने इसका एक नया तरीका निकाला और प्रैक्टिकल यूज बताया उसका, फ्लिप करके अगर स्टेबिलिटी हमको मिल गई तो हम पता लगा लेंगे हमको कितना प्राइस बढ़ाना है और उसके हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट कितना बढ़ेगा। ये बहुत अच्छी खोज की थी पॉलिसी यूजर्स ने और इसको एक थ्योरेटिकल रूप देने की कोशिश की थी। इसका स्लोप और पोजीशन क्या होगा इस पर भी हमको डिस्कस करना चाहिए। जैसे ये डायग्राम आप देख रहे हैं, इसमें दो कर्व हैं, ए ए और बी बी। ए वाला थोड़ा सा फ्लैट है और बी वाला थोड़ा सा स्टीप है। तो अगर हम एक पर्टिकुलर पॉइंट देखें, ये डेल पी जो इंक्रीज हो रहा है यहां से लेकर यहां तक, ये दोनों लाइन जब ए को काटती हैं तो क्या होता है? इतना बड़ा गैप होता है अनएम्प्लॉयमेंट में यू ए का, ठीक है, लेकिन वही दोनों लाइनें जब बी को काटती हैं तो क्या होता है? इतना छोटा सा गैप होता है, इतना छोटा सा मूवमेंट होता है, चेंजेस होती हैं किसमें? अनएम्प्लॉयमेंट रेट में। यानी कि अगर ये फ्लैट कर्व है तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट में ज्यादा बदलाव आएगा, अगर ये स्टीप कर्व है तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट में कम फर्क आएगा। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, हाँ, अगर हमको पता लग जाए, हम डेटा कलेक्ट करें तो उससे हमको समझ में आ जाएगा कि कितना फर्क आ सकता है जब हम प्राइस को चेंज करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट में। यानी कि अगर आपको किसी भी कंट्री का, किसी भी जगह का, इकोनॉमी का डेटा मिल जाए और उस पर आप फ्लिप कर्व बनाएं, तो आपको उस फ्लिप कर्व के स्लोप के हिसाब से पता लग जाएगा कि
कि प्राइस और अनएम्प्लॉयमेंट में कितना कितना रेशियो का चेंजेस हो रहा है, ठीक है। और एक और बात, पोजीशन देखिए, ए ए की पोजीशन नीचे है और उसको हमने ऊपर की तरफ शिफ्ट किया, बी बी बनाया, तो क्या हुआ, उसी अनएम्प्लॉयमेंट पे प्राइस बढ़ गई। इसी अनएम्प्लॉयमेंट रेट पर यहां पर जब काट रहा था सी पे तो पी डैश थी, और वही जब ई पे आया तो प्राइस कितनी हो गई, पी हो गई, यानी प्राइस बढ़ गई। इसका मतलब यह है कि अगर फ्लिप कर्व की पोजीशन ऊपर की तरफ उठ रही है तो इसका मतलब है प्राइसेस बढ़ेंगी। ये एक स्पेशल केस है स्टैगफ्लेशन का, जिसको फ्रीडमैन ने और नेहरो ने भी डिस्कस किया है, वो हम बाद में करेंगे। फिलहाल आप इसको समझ लीजिए कि ये भी एक तरीका है फ्लिप कर्व को शिफ्ट करके हम पता लगा सकते हैं। ओके, अब क्रिटिसिज्म पर आते हैं फ्लिप कर्व की। क्रिटिसिज्म क्या क्या थी? पहली चीज तो ये कि एक ट्रेड ऑफ जो प्राइस वेज इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बताया गया था वो अनसेटिस्फैक्ट्री था। उसका मेन रीजन था अनस्टेबल ट्रेड ऑफ, और कॉस्ट ऑफ लिविंग का जो इन्फ्लुएंस है इस पर उसको इग्नोर किया गया था। स्टैगफ्लेशन की प्रॉब्लम को डिस्कस नहीं किया गया। इन्फ्लेशन एक इंटरनेशनल फिनोमिनन है मगर इसको एक बहुत छोटे से एरिया में कन्फाइंड करके रखा गया। इसने मैक्रो इशूज को भी निग्लेक्ट किया, और जॉनसन की क्रिटिसिज्म भी हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं अनस्टेबल ट्रेड ऑफ। ये जो फिगर देख रहे हैं आप, एक यूएस फ्लिप कर्व है, ये चार वर्जन हैं उसके, जैसे मैंने बताया अलग अलग प्रकार के स्लोप्स, अलग अलग प्रकार के पोजीशंस होती हैं, उसके हिसाब से ये अलग अलग ईयर्स में, अलग अलग ईयर्स की रेंज में ये सब आंकड़े हैं। और ये सब आंकड़े, ये सब डेटा बता रहे हैं कि फ्लिप कर्व अलग अलग टाइम पर अलग अलग वर्जनों में अलग अलग डेटा दे रहा है, तो इसमें स्टेबिलिटी कहाँ हुई? इतनी सारी चीजों में अनस्टेबिलिटी है तो फिर हम किस पर जाएंगे? हमें तो समझ ही नहीं आएगा कि हमको लेना कौन से आंकड़े है, किस कौन सा वर्जन लेना है, और कौन सी पोजीशन लेना है, या कौन सा टाइम पीरियड को हम सही माने। मतलब इसका कोई थ्योरी नहीं बन सकती, इट इज जस्ट ए स्टैटिस्टिकल डेटा। ये सबसे बड़ी इसमें खामी थी। दूसरी खामी थी इन्फ्लुएंस ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग इग्नोर कर दिया गया। इन्होंने ये तो बताया कि जब वेजेस बढ़ती हैं लेबर्स की तो प्राइजेस बढ़ जाती हैं, ओके, लेकिन इसका भी टर्न आता है प्राइजेस का, और वेजेस प्राइजेस की वजह से बढ़ती हैं। क्यों? जैसे कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा तो उसकी वजह से वेजेस बढ़ेंगी। सपोज आप छोटे से शहर में रहते हैं और आप मुंबई शिफ्ट होना चाहते हैं, आपकी मुंबई में जॉब लगी 20,000 रुपए की। आप बोलोगे यार इससे अच्छा तो मैं अपने घर में था, कम से कम 10,000 कमा रहा था, उसके 20,000 तो मेरे 50,000 के बराबर है। तो कंपनी वाले ने कहा कि ऐसा क्यों है भाई, क्योंकि वहां की कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा है, तो आप मुझे 20,000 देंगे तो वो तो उसमें तो मेरा गुजारा नहीं हो पाएगा, आप मुझे कम से कम 50,000 दीजिए। तो कंपनी वाले ने बोला ठीक है। देखिए वेज बढ़ गया, प्राइस की वजह से, कॉस्ट ऑफ लिविंग की वजह से वेज बढ़ गया, लेकिन इसका कोई भी मेंशन फ्लिप्स कर्व में नहीं किया गया। उनमें केवल वन साइडेड बताया कि वेज की वजह से प्राइस बढ़ती है, मगर प्राइस की वजह से भी वेजेस बढ़ती हैं। फिर आया प्रॉब्लम ऑफ स्टैगफ्लेशन। जैसा मैं आपको बता चुका हूं, इस पर नेक्स्ट वीडियो बनेगा बहुत बढ़िया से, उसमें समझ में आ जाएगा कि अनएम्प्लॉयमेंट इन्फ्लेशन दोनों साथ साथ बढ़ते हैं। इन्होंने तो इन्वर्स रिलेशन बताया, मगर ऐसी कंडीशन बाद में आई 1968 में कि दोनों चीजें साथ साथ बढ़ने लगी, ऐसी कंडीशंस आ गई। पहले तो जो स्टडी की थी उसमें अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता था तो इन्फ्लेशन घटता था, या इन्फ्लेशन बढ़ता था तो अनएम्प्लॉयमेंट घटता था, लेकिन अब ऐसी स्थिति आ गई कि दोनों साथ साथ बढ़ रही थी, ऐसा क्यों हो गया? ये स्टैगफ्लेशन की स्थिति आई, नया टर्म आया, और इसने फ्लिप कर्व को पूरी तरीके से क्रिटिसाइज कर दिया। इसके बाद इन्फ्लेशन इज एन इंटरनेशनल फिनोमिना। देखिए इन्फ्लेशन जब भी आता है तो इतनी छोटे से एरिया में नहीं आता, एक पर्टिकुलर कंट्री में नहीं आता। इन्फ्लेशन थोड़ा बड़ा टर्म है, इसको पूरे वर्ल्ड से रिलेट किया जाता है, और वर्ल्ड की चीजों का इस पे इफेक्ट होता है। जैसे इंडिया में इन्फ्लेशन आ रहा है तो उसका कारण इंडिया नहीं है, उसका कारण बाहर के चेंजेस हैं, और बाहर के चेंजेस के कारण हमारे यहां भी इन्फ्लेशन आ जाता है। इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है कि इट इज एन इंटरनेशनल फिनोमिना, पर फ्लिप्स कर्व ने इसको एक पर्टिकुलर कंट्री तक ही कन्फाइंड करके रखा था, ये इसमें क्रिटिसिज्म था। फिर नेग्लेक्शन ऑफ मैक्रो इश्यूज, कुछ मैक्रो इशू हैं जो इसने निग्लेक्ट कर दिया। जैसे हमको ये नहीं पता है कि वो कौन सा लेवल है एम्प्लॉयमेंट का, जिसके बाद अगर हम और बढ़ते हैं तो डिमांड बढ़ जाएगी, प्राइस बढ़ जाएगी, वो लेवल नहीं बताया इन्होंने। और दूसरी चीज, इन्होंने ये भी नहीं बताया कि वो कौन सा रेट है वेजेस का, जिसको हम पता लगा लें तो उसके हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस कर सके, तो वो लेवल भी नहीं बताया इसमें, एक पर्टिकुलर बस आंकड़े बता दिए। ये भी एक दिक्कत थी। जॉनसन ने इसको क्रिटिसाइज किया कि ये कोई थ्योरी नहीं है,
नो बेसिक थ्योरेटिकल प्रिंसिपल, इसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रिंसिपल नहीं है जिस पर हम कुछ फॉर्मेट बना सकें, ये केवल एक स्टैटिस्टिकल डेटा है जिसका कोई भी थ्योरेटिकल बेस नहीं है। दूसरी चीज इन्होंने ये बताई कि अगर हम प्राइस को एडजस्ट करें किसी भी स्पेसिफिक मार्केट में तो उसका इन्फ्लुएंस दूसरे मार्केटों में होता है, जबकि इसने ऐसा कुछ नहीं बताया, जबकि लिप्सी ने बताया था कि ये पर्टिकुलरली छोटे से मार्केट के बारे में स्टडी करके उन्होंने बताया था। तो ये भी एक क्रिटिसिज जो जॉनसन ने की है। दैट्स इट, ये फ्लिप कर्व, और इसके बाद हम देखेंगे कि स्टैगफ्लेशन क्या होता है।